बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारी कंप्यूटर सीरीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम जो हमने चैप्टर नंबर 1 से लिया है, जो कि है डिस्प्ले स्क्रीन एंड इट्स फीचर्स, कि डिस्प्ले स्क्रीन क्या होती है वो हम पढ़ेंगे, और इसके फीचर्स कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डिस्प्ले स्क्रीन क्या होती है पहले हम वो देख लेते हैं। वो कहते हैं डिस्प्ले स्क्रीन को नॉर्मली आप यहाँ पर कहते हो आपकी मोनीटर, या सिंपल कोई भी स्क्रीन, आपकी मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है, स्मार्टफोन की स्क्रीन हो सकती है, कोई भी आपके मॉनिटर हो सकता है, आपकी टीवी स्क्रीन हो सकती है, उसको यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन कह रहे हैं। सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइसेज है। इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को दिखाने का काम करती है। सॉफ्ट कॉपी के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं ऐसी कॉपी जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नजर आए, जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, छू नहीं सकते हो। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले स्क्रीन दिखाई जा रही है, ये आपके लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, मॉनिटर की स्क्रीन हो सकती है, मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है, स्मार्टफोन की हो सकती है स्क्रीन। तो ये मुख्तलिफ किस्म की डिस्प्ले स्क्रीन होती हैं। डिस्प्ले स्क्रीन के फीचर्स कौन से हैं? सबसे पहला फीचर है साइज। मोनीटर आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट साइज। वो कहते हैं मोनीटर जो है वो मुख्तलिफ साइज में अवेलेबल है। द साइज ऑफ द मोनीटर फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज फ्रॉम 14 to 21 inches। वो कहते हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो 14 से 21 inch की होती है। द साइज ऑफ द मोनीटर इज मेजर इन डायगोनली, और डायगोनली हम इसको मतलब कह लें आप कॉर्नर से कॉर्नर मेजर करते हो, मतलब स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं, बल्कि एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक आप इसको मेजर करते हो। इस तरह से आप इसके साइज का पता लगा सकते हो। ये आपको कंप्यूटर स्क्रीन नजर आ रही है, तो इसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के ऊपर अगर आप अपनी इंची टेप को रखेंगे तो आपको इसके साइज का पता चलेगा। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कलर। डिस्प्ले स्क्रीन कैन बी एदर अ मोनोक्रोम और कलर। वो कहते हैं जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसमें मोनोक्रोम और कलर्स मौजूद होते हैं। तो कलर्स इसमें क्या होते हैं? वो कहते हैं कलर्स जो होते हैं वो डिस्प्ले स्क्रीन में आउटपुट को दिखाते हैं मल्टीपल कलर में। आपकी कोई भी आउटपुट वीडियो है, इमेज है, कोई भी है, वो मल्टीपल कलर्स में नजर आती है। इसके अंदर जो मल्टीपल कलर्स में हमें इमेज नजर आती है वो RGB कलर से नजर आती है। RGB कलर्स आपस में मिलते हैं तो 256 कलर्स या 256 या 1000 जो वर्जन होते हैं कलर्स के, जो टोन्स होती हैं कलर्स की, उसमें आपको आपकी इमेजेस शो होती हैं। RGB का स्टैंड होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। तो आप इसको RGB ही कहेंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो RGB कलर यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू जब मिलते हैं तो 256 कलर बनाते हैं, और उन 256 कलर की 1000 के लिहाज से उनकी वेरिएशन होती है, 1000 के लिहाज से उनकी कम्बिनेशन होते हैं। ये आपको एक स्क्रीन नजर आ रही है जिस पर जिसको आप कह लो ये कलर स्क्रीन है। आगे हमारे पास आती है कलर के अंदर दूसरा पोर्शन मोनोक्रोम का। मोनोक्रोम क्या काम करती है? वो कहते हैं डिस्प्ले स्क्रीन डिस्प्ले आउटपुट इन अ सिंगल कलर। वो कहते हैं ये आपकी जो आउटपुट होती है उसको सिंगल कलर में शो करवाते हैं, एक ही कलर शो करवाते हैं आउटपुट का। मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन शो इमेज इन अ सिंगल कलर। वो कहते हैं वो जो भी मोनोक्रोम पर स्क्रीन पर कलर शो होते हैं, इमेज शो होती हैं, वो सिंगल कलर में होती हैं, और यूजली वो कलर कौन से होते हैं? या वाइट होते हैं, या ग्रीन होते हैं, ब्लू होते हैं, या रेड होते हैं। इसके अलावा मोनोक्रोम मोनीटर्स जो होते हैं, थोड़े ओल्ड मोनीटर्स हैं, अब इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो मोनोक्रोम मोनीटर्स कैन डिस्प्ले डिफरेंट शेड्स ऑफ वन कलर। एक कलर की मुख्तलिफ शेड्स को वो शो करवा लेते हैं। अगर आप वाइट देखें तो वाइट की जितनी भी मुख्तलिफ शेड्स हैं उनको वो शो करवाएंगे, ग्रीन की जितनी मुख्तलिफ शेड्स हैं, ब्लू की, रेड की, उन तमाम को एक ही कलर की मुख्तलिफ शेड्स को आपके मोनीटर पर दिखाता है। जैसे ही आपको एक मोनोक्रोम कलर नजर आ रहा है, जैसे ये ब्लू है तो ब्लू की जो मुख्तलिफ किस्म की आप कह लो टोन्स हैं उनको ये दिखा रहा है। रेजोल्यूशन देख लेते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन होता है नंबर ऑफ पिक्सल और डॉट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ रेजोल्यूशन। अब डॉट और पिक्सल क्या होते हैं? आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती है। आपको अभी एक इमेज भी शो करवाएंगे जिससे आपको पिक्सल का पता चलेगा। जितने भी करेक्टर्स, जितनी भी इमेज जो होती हैं स्क्रीन पर, वो तमाम की तमाम पिक्सल और डॉट से मिलकर बनी होती हैं। इट इज़ द इमेज शार्पनेस। अगर कोई इमेज बहुत ज़्यादा शार्प है तो
तो वो भी उसके पिक्सल्स की वजह से ही होती है। जितनी पिक्सल्स क्लोज होंगे उतने ज़्यादा ही आपके कंप्यूटर की, आपकी स्क्रीन की, डिस्प्ले स्क्रीन की रेजोल्यूशन अच्छी होगी। जैसे आप एच डी वीडियो कहते हैं, तो एच डी वीडियोज़ में क्या होता है, आपकी वो जो पिक्सल्स होते हैं वो करीब करीब होते हैं, जिसकी वजह से इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। अगर आपने पुराना कोई मोबाइल है, जिस कीपैड वाला मोबाइल है, उसमें कोई पिक ली हुई है, उसको आप जूम आउट करो तो वो थोड़ी दिन बाद आपको ब्लर नज़र आना शुरू हो जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे वो फट रही हो। इसी तरह से अगर आपने किसी स्मार्टफोन में वो इमेज बनाई है तो आप उसको जितना मर्जी जूम करो वो ब्लर नहीं होती। हाई नंबर ऑफ पिक्सल मीन्स द शार्पनेस ऑफ इमेज, जितने ज़्यादा पिक्सल्स के हाई नंबर्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी इमेज शार्प होगी। इस तरह से आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जैसे आपको ये शो करवाई जा रही होती है, इस तरह छोटे 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 बॉक्सेस, इससे भी ये तो मतलब जूम आउट करके आपको दिखाया गया, इससे भी छोटे होते हैं ये पिक्सल्स, और ये जब आपस में जितने करीब होते हैं उतनी ज़्यादा इमेज की क्वालिटी अच्छी होती है। जैसे यहाँ पर ये आपको मुख्तलिफ इमेजेस दिखाई जा रही हैं, और इसके अलावा आपको दिखा देंगे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर कैसी होती है। तो कंप्यूटर इनको इस तरह से दिखाता है, जो आपको इस साइड पे नजर आ रही है जो 254 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 ppi जो है, उसके जो पिक्सलेट है वो इस तरह के होते हैं, और जो 20 ppi है उसके पिक्सलेट जितने छोटे जितने करीब उतनी इमेज अच्छी। वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर, वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर क्या होता है, वो कहते हैं स्क्रीन मस्ट हैव अ वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर। वो कहते हैं वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है उसके पास अडेप्टर्स होते हैं, जो किस काम आते हैं, आपके डिस्प्ले ग्राफिक्स को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए, मतलब ऐसी चीज़ जो आपके ग्राफिक्स को शो करवाए, यूं ही कह लें कि आपकी डिस्प्ले स्क्रीन को कंप्यूटर के साथ अटैच करवाने के लिए हम ये अडेप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप वायर्स कहते हो। वो इट इज़ आल्सो कॉल्ड वीडियो ग्राफिक कार्ड, इसको वीडियो ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड दैट डिटरमाइन द फॉलोइंग थिंग्स, वो कहते हैं इसके ऊपर क्या होता है कि ये एक सर्किट बोर्ड की तरह काम कर रहा होता है, जो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में जोड़ता है। रेजोल्यूशन इसमें आती है कि वो कौन कौन सी फॉलोइंग थिंग हैं जो मतलब वीडियो अडेप्टर कार्ड में मौजूद, मतलब वीडियो अडेप्टर कार्ड की मदद से आप देखते हैं, तो वो रेजोल्यूशन है, नंबर ऑफ कलर है, स्पीड विद विच इमेज अपेयर ऑन द स्क्रीन, कि वो स्पीड जिस स्पीड से एक इमेज आपके कंप्यूटर पर नज़र आ रही है, वो तमाम चीज़ें वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर पर होती हैं, जिसको आप अपना नॉर्मली अगर कहा जाए तो आप कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मॉनिटर के साथ जो वायर इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास आपकी वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर्स होते हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पर कम्प्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।